ये नीम गिलोय की बेल है और ये नीम के ऊपर जो बेल चढ़ी हुई होती है वो बहुत कारगर होती है नीम के पेड़ के ऊपर विशेष तौर से। ये इस प्रकार के इसके पत्ते होते हैं। घर पर देसी काढ़ा कैसे बनाए कोरोना का? नीम के पत्ते लेने हैं 15-20, 4-5 निम्बोली, 2 इलायची, मलेटी की लकड़ी, इसका चूर्ण करना है, काली मिर्च, अदरक, दाड़म की छाल, लौंग 2 लौंग, तुलसी, तुलसी के पत्ते, तुलसी का बीज, तेज पत्ता, और ये सबसे इम्पोर्टेंट है नीम गिलोया, जिसके मैंने टुकड़े कर दिए हैं। इस प्रकार हम मिक्सी में इनको ग्राइंडर करेंगे या फिर बारीक कूट के काढ़ा बनाएंगे। गर्म पानी को उबालना है, उसके बाद इनको डालना है। ये कम से कम 5 से 7 लोगों का काढ़ा बन सकता है, उतनी सामग्री है। हमने मिक्सी में ग्राइंडर कर दिया है सबको, हमने सबको मिक्सी में ग्राइंडर कर दिया एक साथ। अब हम आगे पानी को उबालेंगे, काढ़े को मीठा करने के लिए थोड़ा गुड़ डाल देंगे इसके अंदर। ये अपन ने गुड़ डाल दिया। आवश्यकता अनुसार हमने 2 लोटे पानी डाल दिए हैं, 2 से 3 लोटा लगभग पानी डालना है। जब 1.5 लोटा पानी बचे उस टाइम इसको वापस उतारेंगे। काढ़ा तैयार हो गया है, अब अपन इसे वो कपड़े से छान लेंगे। अब काढ़ा तैयार हो गया है, एकदम रेडी, पिए आराम से चाय जैसा।